ये है राज वाटर पार्क का सबसे बड़ा पूल, जिसमें मिलने वाली आपको 7 से भी ज्यादा क्रेजी स्लाइड्स। और पीछे है मेरा यहाँ पे किड्स एरिया वाला पूल। ये है जयपुर का सबसे बेस्ट वेव पूल, जिसका आप देख सकते हो पानी कितना साफ है। तो आज मैं आप सभी को लेके आऊँ राज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट में, और ये है जयपुर का सबसे न्यूली वाटर पार्क। तो आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आपको राज वाटर पार्क का पूरा टूर, और बताने वाला हूँ यहाँ की क्या टिकट प्राइस है, क्या टाइमिंग है, यहाँ पे स्लाइड्स होने वाली है, कितने यहाँ पे पूल्स होने वाले हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, समर्स में काफी सारी वाटर पार्क की आपके लिए वीडियो आने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और साथ में मिलके एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले टिकट प्राइस की, एडल्ट्स के आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 500 रुपए वीक डेज पे, और बच्चों की 400 रुपए, और आप वीकेंड पे आते हो तो आपके 600 एडल्ट्स के लगने वाले और चिल्ड्रंस के लगने वाले 450 रुपए। तो बात कर ले सबसे पहले एड्रेस की, ये वाटर पार्क आपको मिलने वाला है सिरसी रोड पर, जो कि जयपुर सिटी सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। ये है राज वाटर पार्क का बाहर का एरिया, आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ का बना रखा है, और ये है पूरी राज वाटर पार्क की पार्किंग एरिया, और पार्किंग के यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। वाटर पार्क की टाइमिंग रहने वाली है सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, और वेव पूल की यहाँ पे 3 टाइमिंग आपको मिल जाएगी, 12 बजे चलेगा, 2 बजे चलेगा और 4:30 बजे चलेगा। तो गाइस स्वागत है आप सभी का राज वाटर पार्क में, आइए। और ये है यहाँ की सुंदर एंट्रेंस, मैंने ऐसी एंट्रेंस है ना अभी तक कोई से भी वाटर पार्क में नहीं देखी। आप देखो कितनी सुंदर सी टनल बनी हुई है। तो दोस्तों ये है जयपुर का सबसे सुंदर वाटर पार्क। इस बात कर ले राज वाटर पार्क की कॉस्ट्यूम्स की और लॉकर की क्या प्राइस होने वाली है, आप लोग देख सकते हो। ये लेडीज का अगर फुल कॉस्ट्यूम्स आप लेते हो 200 रुपए डिपॉजिट है, और आपका रेंट लगने वाला है सिर्फ 100 रुपीज, और लॉकर का यहाँ पे 100 रुपीज डिपॉजिट है, और रेंट जो 50 रुपीज है। ऐसे जेंट्स कॉस्ट्यूम का भी केवल 50 रुपीज रेंट है। एंट्री होती है, आप देखो सबसे पहले आपको कितना बड़ा एरिया मिल जाएगा यहाँ पे घूमने के लिए, और आसपास सब जगह पेड़ लग रहे हैं, काफी सुंदर लग रहा है। अब चलिए दिखाते हैं आपको सबसे मेन चीज, आपका मेन वाटर पार्क। तो यहाँ पे आपको 7 से भी ज्यादा स्लाइड्स मिलने वाली है, और सारी स्लाइड्स जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे आप इधर से स्टार्ट करो चाहे आप उधर से स्टार्ट करो। जो लास्ट वाली है वो तो ट्यूब वाली है, उसमें 2 पर्सन बैठ के आते हैं। ये वाली ट्यूब आप ऊपर लेके जाओगे, इसमें वहां से आप बैठ के आओगे। अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा कैसा व्यू आता है, और सारी स्लाइड्स में आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। सबसे मेन चीज मेरे को जो यहाँ की लगी वो देख सकते हो, पानी भाई साहब कितना साफ पानी है, आप देख सकते हो आर पार सब कुछ दिख रहा है। प्लस अगर मैं इसको हाथ में भी ले रहा हूँ और स्मेल कर रहा हूँ तो भाई बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही। पानी जो है ना यहाँ का बिल्कुल क्लीन है, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा यार, मैं बता क्या रहा हूँ, आप देखो दूर दूर तक देखोगे ना बिल्कुल क्लीन पानी दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन। ना इन्होंने कोई फिल्टर चला रखा है, ना इन्होंने कोई केमिकल डाल रखा है। हर स्लाइड्स पे जो है यहाँ पे लाइफ गार्ड भी खड़े हैं पूरे वाटर पार्क में, लगभग 4 से 5 लाइफ गार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पूल एरिया में, इन केस अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो वो आपको सेफ्टी दे सके। गाइस राज वाटर पार्क का ये मेन पूल एरिया, और इसमें आपको मिलने वाली है 7 से भी ज्यादा स्लाइड्स, और सारी स्लाइड्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है, सब राइड्स का एक अलग मजा है। और मेन मेरे को सबसे बेस्ट चीज पता है यहाँ की क्या लगी, आप देख सकते हो कितना बड़ा पूल एरिया मिलने वाला है, और इसकी जो डीप भी है वो काफी सही है, लगभग आपकी वेस्ट तक जो है साइज आने वाली है। बच्चे भी इसमें नहा सकते हैं, बड़े भी इसमें नहा सकते हैं, हर एज का ग्रुप नहा सकता है। तो गाइज ये है राज वाटर पार्क का मेंस का लॉकर रूम प्लस चेंजिंग रूम। स्लाइड्स वाले वाटर पार्क के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा ये पूरा गार्डन एरिया खेलने कूदने के लिए, और आप आपके यहाँ पे पार्टी वगैरह भी कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी आपको मिल जाएंगे। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा वाटर पार्क जो है दिख रहा है, और कितना सुंदर लग रहा है ये एरिया ना, मेरे को पर्सनली काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है आप जयपुर में नहीं कोई बाहर है ना सिटी में आ चुके हो, कोई और सिटी में आ चुके हो, काफ़ी सुंदर एरिया लग रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा लगे ना बीच साइड होती ना जो, वैसा एरिया लग रहा है ये। तो अभी जो है हमारे पास पहली स्लाइड ये है, जिसमें एक साथ 2-3 पर्सन जो है जा सकते हैं, और ये फैमिली स्लाइड इसको बोलते हैं। ठीक है भाई एक बार जाके दिखाएंगे आपको ये। ये गया, तो अभी मैं वाटर पार्क के सेकंड फ्लोर पे हूँ, अब चलेंगे अपन इससे एक और फ्लोर ऊपर पे, और यहाँ पे जो है बाकी की जो 6 राइड्स है ना उनका एक्सेस, जैसे 3 इधर है और बाकी 3 इधर है। इसके बाद जो है ये मैट वाली राइड यहाँ पे होने वाली है, इसमें आप एक साथ 2 कपल या 2 फ्रेंड्स जा सकते हो पूल के अंदर, काफ़ी मस्त स्लाइड होती है। आजकल जयपुर के ऑलमोस्ट सारे वाटर पार्क में ये वाली स्लाइड आ चुकी है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं 3rd फ्लोर पर, और आप लोगों को यहाँ पे 6 स्लाइड्स का एक्सेस मिल जाएगा, 3 उधर है और 3 इधर है। सबसे पहली स्लाइड ये बेसिक स्लाइड है, जिसमें आप राउंड राउंड होके पर्सन टू पर्सन एक पूल में जाता है। उसके बाद एक ये थोड़ी सी डेंजरस स्लाइड आपको मिल जाएगी, क्रेजी वाली, जिसमें ड्रॉप भी है और बीच में बाउंस भी है। ये वाली स्लाइड भी काफ़ी क्रेजी, और सबसे क्रेजी स्लाइड राज वाटर पार्क की वो ये वाली है। आप देखो सामने आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, ये ना ड्रॉप तगड़ा होने वाला है, लगभग पता नहीं कितने फीट है, लगभग आप देख सकते हो ये हाइट होने वाली है इस स्लाइड की।
काफी क्रेजी होने वाली है भाई। जो भी आ रहा है ना एक बार ये वाली राइड जरूर ट्राई करना। गाइस राज वाटर पार्क की सबसे क्रेजी स्लाइड है ना मेरे को ये लगती है, और इसमें देखो बंदा कैसे जाने वाला है। तो गाइस राज वाटर पार्क की सबसे क्रेजी स्लाइड है ना मेरे को ये लगती है, और इसमें देखो बंदा कैसे जाने वाला है। थर्ड एंड फाइनल ये वाली स्लाइड आपको मिलने वाली है, ट्यूब वाली स्लाइड जिसमें कपल्स या फ्रेंड्स एक साथ जा सकते हैं एक ट्यूब में बैठ के। और देखो कितना बड़ा राउंड है भाई, काफ़ी बड़ा राउंड है, हाइट काफ़ी, लगभग 3 मंजिल की हाइट है। तो आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3 राउंड आपको मिलने वाले हैं, तो आप जो है पूल में जाने वाले हो। हाँ ऐसे बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, मिनिमम स्लाइड से हर टाइप की स्लाइड्स आ गई, बेसिक से लेके एडवांस तक की हर टाइप की स्लाइड्स आ गई। और मेन तो है ना मेरे को सबसे अट्रैक्शन बढ़िया लगा ना यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट, वो है यहाँ का पूल। इतना सुंदर पूल बना हुआ है, इतना बड़ा पूल बना हुआ है, और पानी है ना ऐसे चमक रहा है बिल्कुल यार, क्रिस्टल क्लियर। वाटर पार्क के आसपास देखो आप, बिल्कुल खेत वाला एरिया है, बिल्कुल सुनसान, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल पीस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पूरे टाइम आपको वाटर पार्क में म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, अभी मैंने नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चलवा रखा है, बट यहाँ पे बढ़िया एकदम राजस्थानी म्यूजिक बजाए जाते हैं। जयपुर के या बाहर के कोई भी वाटर पार्क में ना राजस्थानी म्यूजिक नहीं बजाए जाते, बट यहाँ पे है ना भाई नेक्स्ट लेवल म्यूजिक एक्सपीरियंस है। पूरा जंगल थीम पे बना हुआ है, ऊपर हर जगह जो एनिमल्स लगे हुए, एलिफेंट है, पिकॉक है, लायन है, बर्ड्स है, तो सारा बढ़िया बना हुआ है वाटर पार्क। और मेन तो यहाँ का पानी देख ही सकते हो आप कितना क्लीन है, काफी मजा आ रहा है, काफी सही पानी है लोगों को। और ये बकेट वाले चीज ये यार सब वाटर पार्क में सबको सेम मिलती है, बट मस्त चीज होती है। ये है यहाँ का किड्स का अलग से एक छोटा सा वाटर पार्क, जिसमें आपको सारी राइड्स मिल जाएगी, सारी स्लाइड्स मिल जाएगी, सारी एक्टिविटीज मिल जाएगी। पूरा एक जंगल की थीम पे बना हुआ है, और यहाँ का पानी भी आप लोग देख सकते हो कितना साफ है। आप लोगों को वीडियो में पता चल गया होगा कितना क्लीन वाटर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, राइड वगैरह ले रहे हैं। बीच बीच में जो वाटर पार्क के ऐसे रेस्ट एरिया बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, सनलाइट से बच सकते हो। राज वाटर पार्क का रेन डांस आप लोग देख सकते हो, अलग से ये दो कर रखा है, आई थिंक ये वाला बॉयज का है, ये वाला गर्ल्स का है, दोनों के लिए अलग अलग से बना रखा है, बट आप एक साथ भी कर सकते हो। और भाई पूरे में जो है पानी हो रखा है, ये बिल्कुल तगड़ा भाई वाइब वाला रेन डांस है, आप लोग देख सकते हो, ऐसा लगेगा बिल्कुल आपके ऊपर बारिश आ रही है भाई, प्रॉपर रेन डांस जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर रेन डांस। ये है राज वाटर पार्क का सबसे मेन अट्रैक्शन, इतना बड़ा वेव पूल, और इसके पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ना एक्चुअली में वो एक जो है रेस्टोरेंट है ऊपर, भाई क्या क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है। वाटर पार्क में आपको खाने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि जो है ये है यहाँ की, और आप लोग बाहर भी बैठ सकते हो, और इनसाइड भी जो है सिटिंग है। एक छोटी कैंटीन आपको राज वाटर पार्क में ये वाली भी मिल जाएगी, जिसमें से आप बेसिक स्नैक्स वगैरह वाटर बॉटल्स ले सकते हो। तो गाइस अभी जो है राज वाटर पार्क में जो है वेव पूल स्टार्ट होने वाला है, और मैं एकदम टॉप पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा पूल वेव पूल का है, और मैं अभी जो है बिल्कुल टॉप पे जाने वाला हूँ, और वहां से आपको इसका पूरा व्यू दिखाऊंगा कैसा जो है वेव पूल दिखता है ऊपर से, टॉप व्यू में कितना सुंदर लगता है। गाइस चालू हो चुका है यहाँ का वेव पूल, और आप लोग देख सकते हो क्या वेव्स बन रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे जल लगभग 7 से 8 फीट गहरा है, और जो लोग भी इधर एंजॉय कर रहे थे ना सब लोग जा चुके हैं वापस, इतना दूर वापस बाहर जा चुके हैं, इतना डर लगने लग गया लोगों को भाई। असली एंजॉयमेंट है ना वाटर पार्क का वेव पूल में आता है भाई, क्या वेव्स आ रही है आप लोग देख सकते हो, मैं बिल्कुल आपको कहां से खड़े होकर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो लास्ट में देखोगे आप कितनी सुंदर वेव्स बन रही है, लास्ट में जाके बिल्कुल समुंदर जैसी, लास्ट में देखोगे आप बिल्कुल समुंदर जैसी वेव्स बन रही है। अब मैं बिल्कुल एंड में खड़ा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है राज वाटर पार्क रिसोर्ट, मोटर भी जो है यहीं से चल रही है वेव्स की। ओ भाई बहुत नेक्स्ट लेवल, ओ भाई बहुत नेक्स्ट लेवल वेव्स बन रही है यार, इधर रस्सियां बांध रहे हैं बीच में, इससे आगे कोई ना जाए क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत डीप है भाई। ठीक है एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, आप लोग देख सकते हो फैमिली के साथ भी है, फ्रेंड्स के साथ भी है, कपल्स भी है, हर तरह का एज ग्रुप है ना जो एंजॉय कर सकते हैं वेव पूल में। और वेव देखो आप क्या हाइट की वेव्स बन रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। ये देखो ये वेव आ गई, देखो कितनी ज्यादा हाइट की है भाई, बहुत तगड़ी वेव्स बन रही है यहाँ पे। कुछ देर पहले ना यहाँ पे बिल्कुल क्लीन था, कोई पानी की बूंद नहीं थी, पानी देखो आप वहां से स्टार्ट हो के यहाँ तक पानी आ रहा है, इतना ऊपर तक पानी आ रहा है भाई, वेव देखो कितनी तगड़ी आ रही है सामने देखो, यहाँ से तो बिल्कुल ही अलग नजारा है यार, वहां से अलग नजारा था यहाँ से अलग नजारा है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राज वाटर पार्क के साथ साथ ये रिसोर्ट भी है, तो आपको जो है यहाँ पे स्टे करने के लिए भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, होटल की तरह आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे,
ये यहाँ की होटल वाली रूम की बिल्डिंग है। अब मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ अंदर से कैसे है। ये है यहाँ के होटल रूम, आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर बना हुआ है। ये एक सुपर डिलक्स रूम है जिसमें आपको डबल साइज का बेड मिल जाएगा, साथ में फैन मिल जाएगा, एक टीवी मिल जाएगी, कबर्ड मिल जाएगी, साथ में अटैच जो है वॉशरूम भी मिल जाएगा। इस रूम की क्या प्राइस होने वाली है मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप वहाँ से जाके ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। अभी हमने जो है यहाँ की कैंटीन से एक बर्गर मंगाया है और छोले भटूरे मंगाए हैं, तो इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको यहाँ का फूड का टेस्ट कैसा है। भाई भटूरे का साइज आप देख सकते हो एकदम गर्मा गर्म, बढ़िया यार फूड का टेस्ट, क्वालिटी ना जो वो बेस्ट है भाई।